तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने फैक्ट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं होता और रिपोर्टर को रिपोर्टिंग के दौरान कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यही मुश्किलें जब कैमरा में रिकॉर्ड होती है तो हमारे लिए वो हंसी का कारण बन जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इन्हीं रिपोर्टर्स के कैमरा में रिकॉर्ड कारनामे, जिसे देखकर आप काफ़ी हंसने वाले हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांद नवाब को तो हर कोई जानता है क्योंकि इसी से इंस्पायर कैरेक्टर आपने बजरंगी भाईजान मूवी में देखा होगा कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया था। तो देखिए, चांद नवाब कराची रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी रिपोर्टिंग के दौरान वो बोलने में कभी चूक जाते या बोलते समय उनके सामने कोई ना कोई आ जाता और फिर देखिए चांद नवाब कैसे गुस्से से लाल बबूला हो जाते। अंदरूनी मुल्क जा रहे, अरे यार क्या करे, गाड़ी चल दी, उधर से निकल जा भाई। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क, कराची से लोग ईद मनाने के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज़ करा, ये आगे ना देखो भाई, उधर चले जाओ जरा एक मिनट। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए इंडस न्यूज़ करा, यार बड़ा बेगरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे, क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए दोस्तों दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अभी भी काफी पीछे हैं। तो देखिए, यहाँ पर रिपोर्टर इन गांव वालों से पूछता है कि आपकी सरकार से क्या समस्या है, और जिस आदमी से पूछता है वो आदमी माइक से कौन आदमी कब बोलेगा इसका इंतजार करता है। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है, बोलिए यहाँ क्या मतलब। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे, नहीं 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 बोलेगा, मीडिया पर जाएगा ना, हम नहीं ले सकते हैं आप ले। अगला आदमी बोलेंगे तब ना हम बोलेंगे। वाह भाई, कुछ लोग पता नहीं कौन सा नशा करके घूमते हैं, जो मन में आया वो बोल डालते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा उन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये आदमी देखिए इस रिपोर्टर से बोलता है कि मैं 6 साल से राष्ट्रपति हूँ, ना मुझसे कोई मोदी जी मिलने आए ना नीतीश कुमार, और ये आदमी राष्ट्रपति पद के लिए कड़ाव रहना चाहता है। क्योंकि मैं 6 साल भारत का राष्ट्रपति रहा, तो आज तक के ना तो हमको मोदी जी मिलने के लिए आए, ना नीतीश जी मिलने के लिए आए, ना ही कोई प्रशासन हमको खोजा। इसके बावजूद मैं राष्ट्रपति होते हुए मैं 6 साल से राजमिस्त्री काम कर रहा हूँ, करनी बसली डोला रहा हूँ, आज भी मैं काम के लिए साइकिल से बउआ रहा हूँ। कहीं सरकारी स्कूलों में अभी भी ऐसे टीचर्स हैं कि उन्हें अपना नाम भी ठीक से नहीं लिखना आता। ये वीडियो क्लिप बिहार के सरकारी स्कूल की है, यहाँ पर इस मैडम जी को रोज बोले जाने वाले शब्दों का भी स्पेलिंग पता नहीं है। मध्य प्रदेश की का नाम सुना आपने, उसकी राजधानी का है, गुजरात की राजधानी। बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। नोबेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट? हम इंग्लिश में नहीं बता सकते। संविधान किसने बनाया था? संविधान किसने बनाया था? उनका नाम नहीं याद आ रहा है। 12 का पहरा पढ़ो, 12 का पहरा पढ़ो। किस राज्य में रहते हो? तो आप सोच सकते हो बच्चों का क्या भविष्य होगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। बिहार की राजधानी? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है? पता नहीं। कुछ रिपोर्टर्स को आड़े टेढ़े सवाल पूछने की आदत होती है, जिस वजह से कई बार बहस भी हो जाती है। यहाँ पर रोनाल्डो अपनी टीम के साथ चल रहे थे, तभी एक रिपोर्टर रोनाल्डो को आड़े टेढ़ा सवाल पूछ लेता है और रोनाल्डो सीधा इस रिपोर्टर का माइक फेंक देते हैं। कुछ लोग इतने ओवर कॉम्पिटेंट होते हैं कि उन्हें जो बोल रहे हैं उस बात का भी ध्यान नहीं होता। ये लड़का यहाँ पर इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई से एक वर्ड भी ठीक से नहीं बोला जा रहा। न्यूज़ बट आई डोंट नो, आई सी दिस
न्यूज बट आई डोंट से। अरे कहना क्या चाहते हो? यस आती है बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं देखी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोग पीछे से भी अतरंगी हरकतें करते हैं और इसी का कारण बन जाते हैं। दर यहाँ पर देख लीजिए, आगे रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है और पीछे से ये इंसान कैसे अतरंगी हरकतें कर रहा है। यहाँ तो पीछे खड़े लोगों ने रिपोर्टर को इतना परेशान किया कि बेचारे को रिपोर्टिंग ही बंद करनी पड़ी। बारह साल संकल्प है आपका तो, लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत, उतारिए मत। चलो भाई लोगों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हाँ पता है वीडियो छोटी है, लेकिन जब आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 करके जरूर लिखना, मैं इसका अगला पार्ट जरूर लाऊंगा। आज तक मुर्दाबाद, आज तक आप जो वो तो ठीक है सर।